सूर्या के बाद राशिद खान ने उड़ाया गर्दा। नमस्कार, मैं हूं शिव पाठक और स्वागत है आपका जस्ट आईपीएल पर। वानखेड़े के मैदान पर तो चैंपियन टीमों मुंबई और गुजरात के बीच खेला गया मुकाबला मनोरंजन से भरपूर रहा। जहां पहले स्टूल पर यादव तो वहीं दूसरी पारी में राशिद खान ने छक्कों की झड़ी लगा दी, लेकिन अंत में सूर्या का शौर्य राशिद खान के कमाल पर भारी पड़ा और मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 27 रनों से मात दी। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने होते मुंबई इंडियंस को ईशान किशन और कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। दोनों ने पहले विकेट के लिए मैच 37 गेंदों में 61 रन जोड़ डाले, लेकिन इसके बाद गेंद लेकर आए करामती राशिद खान ने एक ही ओवर में रोहित और ईशान को आउट कर मुंबई को दोहरा झटका दिया। इस दोहरे झटके के बाद इन्फोमिहर वडेजा ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले और मोमेंटम जारी रखा, लेकिन राशिद खान ने उन्हें भी 15 रन के नीचे स्कोर पर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव ने युवा विष्णु विनोद के साथ मिलकर 65 रनों की साझेदारी कर मुंबई की पारी संभाली। विनोद 30 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन पिछले मैच के हीरो सूर्या ने इस मुकाबले में भी अपनी फॉर्म जारी रखी और ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए आईपीएल में अपना पहला शतक जड़ दिया। सूर्या की 49 गेंदों पर 6 छक्कों और 11 चौकों की मदद से खेली गई 103 रनों की नाबाद पारी के दम पर मुंबई की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में 218 रनों का विशालकाय टोटल हासिल किया। पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद ही निराशाजनक रही। युवा आकाश माधवाल ने गुजरात के दोनों ओपनर्स रिद्धिमान साहा और शुभमन गिल को सस्ते में पवेलियन भेज दिया, जबकि बेरन रॉफ ने विपक्षी कप्तान हार्दिक पांड्या को आउट कर गुजरात के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया, जिसके बाद विजय शंकर ने कुछ अच्छे शॉट्स खेलकर 29 रनों की तेज तरार पारी खेली। शंकर के आउट होने के बाद डेविड मिना ने बल्लेबाजी की कमान संभाली और मैच 26 गेंदों में 41 रन बनाए, लेकिन माधवाल ने उन्हें भी पवेलियन भेज कर गुजरात की आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। एक समय पर मैच 103 रनों पर 8 विकेट गंवा चुके गुजरात के लिए गेंद से कमाल करने वाले राशिद खान ने अंतिम ओवरों में धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैच 32 गेंदों में 10 छक्कों की मदद से 79 रनों की नाबाद पारी खेलकर गुजरात को 200 रनों के करीब पहुंचाया और हार के अंतर को कम किया।